हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनोन फैक्ट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वियर्ड स्कूल एंड कॉलेजेस जो असली में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि अजीब स्कूल एंड कॉलेजेस। तो हम बात करेंगे विजार्ड स्कूल, बोर्ड स्कूल और यूएसए का फ्यूचर स्कूल जिसमें नोटबुक नहीं लैपटॉप यूज किया जाता है, और भी अजीब स्कूल्स एंड कॉलेजेस है वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 8 विच स्कूल। आपको शायद ही पता होगा कि दुनिया में एक ऐसा भी स्कूल है जिसका नाम है विच स्कूल, जो सैलम और शिकागो ये दोनों जगह पे स्थित है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, ये स्कूल में विच यानी मैजिक और ब्लैक मैजिक यानी काला जादू बच्चों को सिखाया जाता है। ये स्कूल 2003 में हॉपेस्टोम इलिनॉइस में स्टार्ट हुआ था। तब वहाँ के रहने वाले लोग इसे प्रोटेस्ट जरूर किए, मतलब कि विरोध किए, पर बाद में वो लोग शांत हो गए। यहाँ तक कि वहाँ के रहने वाले लोग अपने गाड़ियों में होली वाटर भी डालते थे ब्लैक मैजिक से बचने के लिए। नंबर 7 फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ फ्यूचर। इसे माइक्रोसॉफ्ट स्कूल ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। ये एक पूरा फ्यूरास्टिक स्कूल है जो फिलाडेल्फिया सिटी पे स्थित है इन यूएसए। ये स्कूल 7 सितंबर 2006 में बनाया गया था। ये स्कूल में नोटबुक और पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ के बच्चे लैपटॉप, नोटपैड और स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं, और यहाँ के टीचर भी स्मार्ट बोर्ड और न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने। यहाँ तक कि बच्चों की आई कार्ड से वो अपने लॉकर भी खोल सकते हैं और कई गैजेट्स यूज करते हैं। है ना कमाल का स्कूल। अगर आप भी स्कूल में जाना चाहते हैं तो कमेंट में बताओ। नंबर 6 अबो एलिमेंट्री स्कूल। ये वर्ल्ड का सबसे पहला अंडरग्राउंड स्कूल माना जाता है। इसका निर्माण कोल्ड वॉर के समय पर यूएसए में किया गया था। ये स्कूल को बनाया गया था कि अगर कोई वॉर हो तो लोगों को इसमें सुरक्षित किया जा सके। और ये स्कूल में 3 एंट्रेंस गेट है जो 800 किलो स्टील से बनाया गया था, जो 20 मेगाटन की ब्लास्ट को भी झेल सके। पर ये स्कूल को 1995 में बंद कर दिया गया ड्यू टू इसके हाई कॉस्ट के कारण। नंबर 5 बोर्ड स्कूल। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये स्कूल पूरा बोर्ड पर बनाया है जो बांग्लादेश में स्थित है। ये पूरा 100 बोटों का स्कूल है और हर एक बोर्ड पे एक कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेस और लाइब्रेरी है जो पूरे सोलर पावर से चलते हैं। ये बनाया गया था कि जो हर साल 2 बार बाढ़ आती है तब लोग इसमें आकर रह सके। ये स्कूल बोर्ड के साथ साथ हेल्थ केयर और हाउसिंग बोर्ड भी है। नंबर 4 क्लोन कॉलेज। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी कॉलेज है जो आपको एक क्लोन बना सकता है? तो वो है द क्लोन कॉलेज ऑफ फ्लोरिडा। यहाँ बच्चे क्लोन बनने की पढ़ाई करते हैं, एंड ये 1968 में फ्लोरिडा के वैनिस सिटी में बिल्ड किया गया था, पर बाद में इसे बरोबो विस्कॉन्सिन में रिलोकेट कर दिया गया था। हालांकि ये 1997 में बंद हो गई थी क्योंकि ये लॉस में जाने लगी और लोग इसमें जाना बंद कर दिए और ये बंद हो गई। इस कॉलेज से करीब करीब 1400 लोग क्लोन बनके निकले थे। ये कॉलेज उन लोगों के लिए था जिन्हें दूसरों को हंसाने में दिलचस्पी थी। क्या आपको भी दूसरों को हंसाने में अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। 3 फॉरेस्ट किंडरगार्टन। ये एक स्कूल या कॉलेज नहीं है पर एक किंडरगार्टन है। ये पहला फॉरेस्ट किंडरगार्टन की शुरुआत 1950s में डेनमार्क में की गई थी उन बच्चों के लिए जो 3 से 6 साल के हैं। ये किंडरगार्टन का शुरुआत इसलिए किया गया था ताकि बच्चे नेचर की गोद में कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीख सके। यह फॉरेस्ट में बच्चों को विभिन्न प्रकारों की चीजें वुड से बनाना और बाकी चीजों से बनाना सिखाया जाता है। ये पेड़ों की छांव में बच्चे सोते हैं और गार्डन में बैठ के नई नई चीजों को सीखते हैं। नंबर 2 ब्रुकलिन फ्री स्कूल। ये दुनिया का एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम है। यह एक प्राइवेट स्कूल है जो कि न्यूयॉर्क के फोर्ट ग्रीनी शहर में है। यह हर एक बच्चा जो करना चाहे वो कर सकता है, यहां तक कि जब चाहे तब क्लास से बाहर चले जाना या बिना हेलमेट के स्कूल प्रीमाइसेस में बाइक चलाना। इस स्कूल में ना ही ग्रेड होता है ना ही मार्क्स। यह भले ही स्टूडेंट्स के लिए मजेदार है पर पेरेंट्स के लिए एक नाइटमेयर है। यहां के बच्चे क्लास में भी सो सकते हैं। और ये स्कूल 2004 में बनाया गया था 4 से 18 साल के बीच की उम्र के स्टूडेंट्स के लिए। और हाँ, इस स्कूल में ना ही एग्जाम होता है और ना अटेंडेंस कंपलसरी होता है। क्या लगता है आप सबको, ये स्कूल हमारे इधर भी होना चाहिए ना? हाँ कि नहीं, अपना आंसर कमेंट में बताओ। विजार्ड स्कूल। आप लोग सुनकर ही चौंक जाएंगे कि अब हम जो बात करेंगे वो एक हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड स्कूल।
वो है विजार्ड स्कूल या ग्रे स्कूल ऑफ विजार्डरी भी कहा जा सकता है। ये स्कूल अगस्त 2004 में कैलिफोर्निया में शुरू किया गया था। इस स्कूल में एल्केमी, वैंड मेकिंग और हॉट विस्परिंग जैसे ब्लैक मैजिक सिखाया जाता है। ये मेनली डार्क आर्ट सिखाया जाता है, मतलब काला जादू सबसे ज्यादा सिखाया जाता है। स्कूल का मोटिव ही है कि बच्चों को जैसे हैरी पॉटर मूवी या बुक सीरीज में जैसे काला जादू सिखाया जाता था, वैसे ही इस स्कूल में भी बच्चों को वैसे ही ब्लैक मैजिक सिखाया जाता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, पर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को भी कर दो ऑन फॉर न्यू अपडेट्स। हमारे चैनल पे फैक्ट एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।